आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अजीनोमोटो होता क्या है, क्या ये शाकाहारी है, क्या ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, बनता कैसे है, कहां से प्राप्त होता है। फिर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और पसंद आता है, जानकारी आपको अच्छी लगती है तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, स्वाद का अनूठा सफर, उमामी स्वाद अजीनोमोटो के द्वारा। नमस्कार साथी, मैं डॉक्टर प्रदीप लहरी स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल कुकिंग क्या, और आज मैं ले चलता हूँ आपको एक अनूठे स्वाद के सफर में जो कि हमारे आम स्वाद से बिल्कुल अलग देता है, जिसे हम जानते हैं अजीनोमोटो के नाम से। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है अजीनोमोटो। आमतौर पर हम सब इसे जो है चाइनीज नमक के रूप में भी जाना जाता है। ये जो अनूठा स्वाद होता है ना, ये एक अलग ही प्रकार का स्वाद है जो हमें प्राप्त होता है एक रासायनिक तत्व अजीनोमोटो या MSG, जिसे हम मोनो सोडियम ग्लूटामेट के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्वाद सिर्फ 5 प्रकार के होते हैं, एक मीठा, नमकीन, खट्टा, तीखा और कड़वा। अब जो छठवां स्वाद है वो जो हमको प्राप्त होता है अजीनोमोटो से, जिसे हम जानते हैं उमामी, उमामी स्वाद के रूप में हम जानते हैं। तो यानी अब जो है 6 प्रकार के स्वाद हो गए, मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा, तीखा और उमामी। अजीनोमोटो जो है खाने में हम लोग जो है नमक के जगह, खासकर जितने भी एशियन खाने हैं, चाइनीज फूड इसमें इस्तेमाल करते हैं, नमक के तौर पर इसको डालते हैं। ये दानेदार जो क्रिस्टल जैसा होता है दिखाई देता है। ये जो है अजीबोगरीब जो है ना स्वाद पैदा करता है, पर ये तो ये सारे स्वादों को दबाता नहीं है, पर आपके स्वाद ग्रंथियों को उत्प्रेरित कर देता है एक नए स्वाद को पहचानने के लिए, जो कि आपके खाने की लालसा को बढ़ा देता है। इस अजीनोमोटो को चाइनीज नमक के नाम से भी जाना जाता है, परंतु ये चाइनीज नमक नहीं है, ये बनता है जापान का। ये जापान का एक केमिकल है, रासायनिक उत्पाद है, जिसे हम चाइनीज नमक के रूप में जानते हैं, क्योंकि ये चाइनीज खाने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ये भ्रांति है कि हम इसे चाइनीज नमक के नाम से भी जानते हैं, परंतु ये चाइनीज नहीं है, जापान की एक कंपनी है जिसका नाम है अजीनोमोटो। ये उस कंपनी का एक उत्पाद है, प्रोडक्ट है। ये कंपनी बनाती है, क्या बनाती है, मोनो सोडियम ग्लूटामेट, जिसे हम MSG कहते हैं, और इसको आम भाषा में हम लोगों ने चाइनीज नमक या अजीनोमोटो, यानी वो अजीनोमोटो के नाम से जानने लगे। ये एक जापानी प्रोडक्ट है। 1908 में एक जापानी वैज्ञानिक हुआ करते थे क्योनाए इकेटा, जिन्होंने इस रासायनिक उत्पाद का खोज की थी और जिससे ये उमामी स्वाद प्राप्त हुआ, और 1909 में, ठीक एक साल बाद, एक कंपनी अजीनोमोटो ने इसका व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर दिया। तब से ये प्रोडक्ट अजीनोमोटो के नाम से प्रसिद्ध है। जो है ऐसा भी कहा जाता है, कुछ भ्रांतियां हैं कि ये जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। बिल्कुल जी हाँ, अगर हम इसकी मात्रा ज्यादा उपयोग करेंगे खाने में तो ये संभवतः हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन अगर इसको हम मसाले के जैसे थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे और हर एक डिश में डालने के बजाय कभी कहीं कहीं डिश में डालेंगे तो ये जो है हमारे स्वाद को बढ़ा देता है और एक नया स्वाद पैदा करके हमें उस खाने के लिए प्रेरित कर देता है। तो ज्यादा खाना, इसका ज्यादा सेवन हानिकारक हो सकता है, पर ऐसे साइंटिफिकली क्योंकि कमर्शियल व्यवसायीकरण किया जा रहा है तो सरकारों ने इसको जो है प्रतिबंधित नहीं किया और इसका उपयोग सीमित कर दिया। सीमित मात्रा में अगर इसका उपयोग करोगे तो ये नुकसानदायक नहीं होता है। अब बात करते हैं, क्या ये अजीनोमोटो या MSG जो है शाकाहारी होता है या मांसाहारी, इसको समझने के लिए हमें इसके बनने की प्रक्रिया देखनी पड़ेगी। जिस प्रकार पनीर, दही जो बनाए जाते हैं
दूध से नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, उसी प्रकार से ये भी जो एमएसजी है नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए जब क्या होता है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से एक माइक्रोब्स यानी ग्लूटामिक एसिड पाया जाता है जो कि एक माइक्रोब्स बनाते हैं, और इन माइक्रोब्स के द्वारा बनाए हुए प्रोडक्ट को फिर छानते हैं, साफ करते हैं, फिल्टर करते हैं, और इसके बाद हमको ये जो है एमएसजी प्राप्त हो जाता है। अब आप समझ सकते हैं, अगर हम दही को और सिरका को शाकाहारी मान सकते हैं, पनीर को शाकाहारी मान सकते हैं, तो उसी प्रकार से हम इस अजीनोमोटो को भी शाकाहारी कह सकते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि अजीनोमोटो जो है ज्यादा नुकसानदायक नहीं होता है अगर हम इसका सीमित मात्रा में उपयोग करते हैं। स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है तो फिर बिल्कुल इसका उपयोग करें, पर सावधानी पूर्वक, ज्यादा इसका इस्तेमाल ना करें, थोड़ा इस्तेमाल करें, टेस्ट स्वाद में अनुभव करें बिल्कुल इसके स्वाद का। नमस्कार, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद आपका, और आप स्वस्थ रहें ऐसी कामना। नमस्कार।